हेलो बच्चों, तो आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.6 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कुछ समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, आपने कुछ फार्मूलाज जो है वो समझने हैं। कुछ फार्मूलाज यहाँ पे समझने होंगे तभी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। जैसे देखिए, ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन, कोई दो नंबर आए, ए दोनों की बेस सेम है, ठीक है, ए ए, और पावर में कुछ भी हो सकता है, तो वो किसके बराबर होता है, ए की पावर एम प्लस एन। ठीक है, ये तो आप जानते हो कि बिकॉज व्हेन बेसिस आर सेम, जब बेस सेम होती है तो क्या होता है, पावर्स आर एडेड, पावर्स आर एडेड। ठीक है, देखिए दोनों की बेस सेम है ए, तो पावर्स को क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। ये फर्स्ट फार्मूला। सेकंड फार्मूला देखो, जब इस तरीके से कोई दो नंबर्स दिए हो, ए की पावर एम और ब्रैकेट उसकी पावर एन, तो ये देखो ये दोनों को आपने क्या कर देना, मल्टीप्लाई करवा देना है, ए की पावर एम एन। ठीक है, एक ये फार्मूला आपने याद रखना है। थर्ड फार्मूला ये है, जब कोई दो नंबर ऐसे डिवाइड हो रहे हो, की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, तो क्या करना है कि बेस सेम है, बेस दोनों की सेम है नंबर्स की, तो आपने क्या करना है उसको माइनस करा देना, ए की पावर एम माइनस एन। ठीक है, इसमें आप ऐसे लिख सकते हो कि व्हेन इन केस ऑफ, ठीक है, व्हेन बेसिस आर सेम इन केस ऑफ डिवीजन, इन केस ऑफ डिवीजन देन क्या होगा, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। ओके, इसमें क्या था, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन का केस था। ये मल्टीप्लिकेशन का केस था, देखिए यहाँ पे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पर यहाँ पे दो नंबर देखिए डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, और लास्ट हमारे पास क्या आता है फॉर्मूला, ए की पावर एम और बी की पावर एन। अब देखिए दोनों की बेसिस क्या हैं, ये भी एम है, दोनों की बेसिस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, इसकी भी पावर एम है और बी की पावर भी एम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बी की पावर एम इंटू एन। ठीक है, ए की पावर एम, एम तो है नहीं है पावर, ए की पावर है एम, दोनों की पावर एम है ना, तो ए बी की पावर एम। तो ये फोर फार्मूलेज हैं, ये फोर फार्मूलेज जो हैं वो इस एक्सरसाइज में अप्लाई होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.6। ठीक है, फाइंड फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, 64 1/2, हमने क्या निकालना है, इसको हमने फाइंड करना है कि ये किसके बराबर होगा। तो आपने क्या करना बच्चों, आपने इस ये जो नंबर दिया बेस में, इसका आपने एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम मतलब इसके फैक्टर्स कर देने हैं। तो देखो आप एलसीएम ऐसे ले सकते हो, यहाँ पे साइड पे 64 के एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 32 16 8 फोर सा टू सा और टू वन सा, तो ये फैक्टर्स बन गए सारे। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 करके, ऐसे मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, 2 की पावर 6 करके मल्टीप्लाई 1/2। अब देखो ये 2 की पावर 6 बाहर चल जाएगा, 6 × 1/2 ये इससे कैंसिल हो जाएगा 3, तो 2 की पावर आ गया 3, 2 की पावर 3 क्या होता है, 8। ठीक है, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। देखिए सेकंड पार्ट है, जैसे 32 की पावर 1/5, तो आपने सेम मेथड अप्लाई करना है, इस 32 के आपने क्या कर लेने, फैक्टर्स कर लेने हैं। तो 32 के फैक्टर्स कैसे होते हैं, देखो
टू सिक्सटीन सा, टू एट सा, टू फोर सा, टू टू सा एंड टू वन सा। तो देखिए टू की पावर कितनी है, फाइव आ रही आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ टू की पावर फाइव रेज टू पावर वन बाय फाइव। ठीक है, तो ये ऐसे आएगा कुछ, टू की पावर फाइव मल्टीप्लाई वन अपॉइंट फाइव, फाइव से फाइव कैंसिल, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, टू। टू की पावर वन बचा बाहर, तो वो क्या होता है, टू ही होता है। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ये आ गया जी हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इधर स्पेस थोड़ी कम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थर्ड पार्ट। वन टू फाइव की पावर वन बाय थ्री, ठीक है, ये क्वेश्चन है, वन टू फाइव की पावर वन बाय थ्री। देखिए वन टू फाइव के फैक्टर्स कीजिए क्या होते हैं, वन टू फाइव के फैक्टर्स, फाइव से जाएगा ये, फाइव ट्वेंटी फाइव सा, फाइव फाइव सा एंड फाइव वन सा, तो फाइव की पावर थ्री, फाइव कितनी बार है, थ्री बार है, तो फाइव की पावर थ्री रेज टू पावर वन अपॉइंट थ्री। तो फाइव की पावर ऐसे ले सकता हूँ थ्री मल्टीप्लाई वन अपॉइंट थ्री, ये थ्री से थ्री कैंसिल, तो क्या हुआ, फाइव की पावर वन बचा, वो क्या होता है, फाइव इज द आंसर। तो ये हमारा होता है फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड नाइन की पावर थ्री बाय टू, ये निकालना है, तो कुछ नहीं करना है आपने, आपने सेम इसी तरीके से फैक्टर्स करने हैं उसके, थ्री के नाइन के फैक्टर्स करने हैं। तो नाइन को आप कैसे लिख सकते हो, थ्री का स्क्वायर करके इस तरीके से लिख सकते हो ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे थ्री ब्रैकेट में रहेगा, ये टू बाहर आ जाएगा, तो ये टू से टू कैंसिल, क्या बचेगा, थ्री की पावर थ्री, मतलब क्या हुआ इसका, तीन, थ्री को तीन बारी मल्टीप्लाई करवाना है, और ये इसको मैं थोड़ा ऐसे करता हूँ, थ्री को तीन बारी मल्टीप्लाई करना, तो क्या आंसर हो गया हमारे पास, ट्वेंटी थ्री जो नाइन, नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन हमारे पास आ गया आंसर। अगला पार्ट मैं लिख देता हूँ, सेकंड पार्ट है हमारे पास, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट है थर्टी टू की पावर टू पॉइंट फाइव। देखिए ये है हमारे पास, तो अगेन 32 के फैक्टर्स करने हैं, हमने यहाँ पे ऑलरेडी किए हुए थे, देखिए 32 के फैक्टर्स, यहाँ पे 2 की पावर कितना था, 5 था ना, तो हम सीधा यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर 5 रेज टू पावर 2 अपॉन 5, तो क्या होगा ये, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर क्या बचा, 2, तो वो क्या होता है, फोर इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, सिक्सटीन की पावर थ्री बाय फोर, ये क्वेश्चन है हमारे पास, सिक्सटीन की पावर थ्री अपॉन फोर, सिक्सटीन को फैक्टर्स क्या होते हैं, टू की पावर फोर सिक्सटीन होता है, थ्री अपॉन फोर ऐसे ले सकते हैं सिक्सटीन को, टू फोर मल्टीप्लाई थ्री अपॉन फोर, फोर बाहर ले आए, फोर से फोर कैंसिल, टू की पावर थ्री, वो क्या होता है, एट हो गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, मैं यहीं पे करता कर देता हूँ आगे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट, वन टू फाइव की पावर माइनस वन अपॉन थ्री, तो ये क्वेश्चन है, वन ट्वेंटी फाइव के फैक्टर्स क्या होते हैं, फाइव की पावर थ्री रेस्ट पावर माइनस वन अपॉन थ्री। ठीक है, फाइव की पावर थ्री बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई माइनस वन अपॉन थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल, फाइव की पावर क्या आ जाएगा, माइनस वन, तो ये क्या होता है बच्चों, आपको पता है फाइव की पावर माइनस वन को हम कैसे ले सकते हैं, वन अपॉन फाइव करके। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। तो इसी के साथ हमारे कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर, टू की पावर टू अपॉन थ्री
मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 अपॉन 5, ये क्वेश्चन हमारे पास। देखिए बेसिस ये 2 अपॉन 3 है, देखिए दोनों के बेसिस क्या हैं, सेम हैं। तो हमने क्या था, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो इस केस में हम यही अप्लाई करेंगे, बेसिस सेम है तो हम क्या करेंगे, दोनों की पावर्स को ऐड कर देंगे। 2/3 प्लस 1/5 कुछ इस तरह से होगा ये। देखिए यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, 2 दोनों का फैक्ट एलसीएम लेंगे क्या होगा, 15, 3 5 ज़ा एंड 5 2 ज़ा 10, ये तो आपको आता ही होगा, 5 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3, तो 2 10 प्लस 3 13 अपॉन 15 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 2 की पावर 13 अपॉन 15 इज द आंसर। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। देखिए सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है 1/3 की पावर 3 पावर 7 कुछ इस तरीके से दिया है। तो देखिए ये क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए ये जो होल 7 पावर है ना, ये दोनों के साथ लगेगी क्योंकि ये ब्रैकेट दी हुई है यहाँ पे, तो हम ये 7 1 के साथ भी आएगा और 7 इसके साथ भी आएगा डिनोमिनेटर के साथ भी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/7 अपॉन 3/3 और फिर पावर 7, ठीक है। तो ये क्या होगा, 1/7 अपॉन, देखिए ये 3 लिखा और 3 और 7 मल्टीप्लाई हो रहे हैं पावर्स आपस में, 3 7 कितना था, 21। तो देखो 1/7 है, 1 को जितनी बारी मर्जी मल्टीप्लाई करवाओ तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा अपॉन 3/21, तो ये हो गया इसका आंसर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो करके, कुछ बुक्स में ऐसा दिया होगा कि 3/-21 इज द आंसर, जैसे हमने ये किया था, देखिए, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए थर्ड पार्ट हमको क्या दिया, 11 1/2 डिवाइडेड बाय 11 1/4। देखिए अगेन बिल्कुल सिंपल पार्ट है, बेसिस आर सेम इन केस ऑफ डिवीजन, तो पावर्स क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्टेड हो जाएगी, है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, 1/2 -1/4, ठीक है। तो ये एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा, 2 2 2 1 2 -1, 11 2 -1 1/4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बच्चों मुझे पता होगा, इतनी मैं तो आपसे एक्सपेक्टेशन रखता ही हूँ कि आपको एलसीएम लेना आता होगा, अगर नहीं आता तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, लास्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, पार्ट फोर्थ की ओर। 7/1/2 मल्टीप्लाई 8/1/2, ये देखिए दोनों की बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो क्या होगा, बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7 8 पावर कॉमन आ जाएगी बाहर, तो 7 8 से कितना होता है, 56/1/2, ठीक है, 56/1/2। अब इस 56 के भी फैक्टर्स कर दो, 56 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 56/1/2, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। 56/1/2 जो होगा यही इसका आंसर होगा, क्योंकि अगर हम इसके फैक्टर्स करेंगे तो तब भी हमको प्रॉपर आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि 7 8 56 होता है, तो 7 तो एक प्राइम नंबर है, उसके फैक्टर्स नहीं कर सकते, इसलिए यही इसका आंसर होगा। तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.6 पूरी कंप्लीट हो गई है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और शेयर और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, जो फ्रेंड बच्चे हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो मिलता हूँ मैं अगली ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।